दोस्तों, मैं हूँ मेघा और होममेड बाय मेघा में आप सभी का स्वागत है। आज हम बनाने वाले हैं सुपर टेस्टी मटन मसाला करी, वो भी बहुत ही आसान तरीके से। तो चलिए फिर शुरू करते हैं बनाना। तो सबसे पहले हमें एक कुकर में एक छोटी चम्मच घी गरम कर लेना है। आप ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं घी के जगह पे। और फिर मैंने ये कुछ खड़े मसाले लिए हैं, दो छोटे तेज पत्ते, हरी इलायची दो, बड़ी इलायची एक, तीन लौंग, छोटी दालचीनी का टुकड़ा और चार से पांच काली मिर्च। इन खड़े मसालों को हमें डाल देना है घी में और एक मिनट के लिए अच्छे से इन्हें फ्राई कर लेना है ताकि इसका सारा फ्लेवर घी में आ जाए। अब मैंने ये आधा किलो मतलब 500 ग्राम मटन लिया है। मटन को अच्छे से साफ कर लेना है और अब मैं इसे कुकर में डाल रही हूँ। हमें मटन को अच्छे से 4 से 5 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे भूनना है। तो देखिए, मैंने 4 से 5 मिनट के लिए मटन को अच्छे से भून लिया है। अब इसमें डाल रही हूँ आधी छोटी चम्मच नमक और 3/4 ग्लास पानी। और अब हम कुकर का ढक्कन बंद कर देंगे और इसे हमें लगभग 80% पकाना है, तो इसके लिए मैंने 4 सीटी इसको दी थी। तो देखिए, 4 सीटी आकर मेरा कुकर ठंडा हो गया है और अब मैं इसे खोल रही हूँ। तो देखिए, हमारा मटन बिल्कुल सही तरह से पक चुका है। इसे रख देंगे साइड में। और अब मैंने एक कढ़ाई ली है, इसमें मैं 4 से 5 बड़े चम्मच तेल गरम कर रही हूँ। तेल को अच्छे से गरम होने देंगे और उसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ 3 बड़े साइज के प्याज, मैंने पेस्ट कर ली है, डाल दिए हैं इसमें। और अब हम इसे चलाते हुए भून लेंगे 4 से 5 मिनट के लिए। अब इसमें डाल रही हूँ अदरक लहसुन की पेस्ट 1 बड़ा चम्मच और 1 छोटी चम्मच नमक। नमक डालने से क्या होता है, हमारी जो प्याज की पेस्ट है वो जल्दी पकेगी। और अब इसे बीच बीच में चलाते हुए हमें तब तक भूनना है जब तक कि हमारे प्याज ब्राउन कलर के नहीं हो जाते। प्याज अच्छे से भून चुके हैं। अब मैं इसमें डाल रही हूँ गरम मसाला 1/2 छोटी चम्मच, मटन मसाला 1 छोटी चम्मच, सौंफ की पाउडर 1/2 छोटी चम्मच, इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा, जीरा पाउडर 1 छोटी चम्मच, धनिया पाउडर 2 छोटी चम्मच, हल्दी 1/2 छोटी चम्मच और लाल मिर्च की पाउडर 2 छोटी चम्मच। हमने इसमें नमक नहीं डाला है क्योंकि हमने पहले ही डाला था। अब इसे 1 मिनट के लिए मैं लो फ्लेम पे भून लूंगी। हमें गैस की फ्लेम लो रखना है क्योंकि मसाले जलने नहीं चाहिए। और अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1/2 कटोरी फेंटी हुई दही। दही डालते वक्त गैस की फ्लेम हमेशा लो होनी चाहिए और इसे अच्छे से मसालों के साथ मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद हमें इसे थोड़ी देर तक चलाते हुए पकाना है, लगभग 2 से 3 मिनट। अब मैं इसमें डाल रही हूँ हमारा पकाया हुआ मटन। देखिए, डाल दिया है मैंने। हमने जो इसमें खड़े मसाले डाल दिए थे वो आपको अगर निकालने हैं तो आप इस पॉइंट पे निकाल सकते हो। मैंने तेज पत्ता वगैरह पहले ही निकाल दिया था। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे ढक कर 20 मिनट के लिए हमें अभी पकाना है। बीच में एक दो बार हम इसे चेक करेंगे। तो देखिए, 20 मिनट पकाने के बाद हमारा मटन कुछ ऐसा दिखने लगा है। अभी इसमें से खुशबू भी बहुत ही बढ़िया आ रही है। और ग्रेवी की थिकनेस भी बहुत ही बढ़िया आ गई है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ कसूरी मेथी 1 बड़ा चम्मच, धनिया 1 बड़ा चम्मच बारीक कटा हुआ। मिला देंगे सभी चीज़ों को। इसमें मैं थोड़ा सा 5 से 6 टेबलस्पून पानी मिला रही हूँ, बिल्कुल थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा नहीं मिलाना है क्योंकि इसकी पतली ग्रेवी अच्छी नहीं लगेगी। और इसे ढक कर फिर से हम 10 मिनट के लिए पकाएंगे ताकि इसमें कसूरी मेथी और वह धनिया का अच्छे से फ्लेवर आ जाए। 10 मिनट हो गए हैं, अब मैं इसका ढक्कन हटा रही हूँ। तो देखिए, हमारा मटन एकदम अच्छे से पक चुका है, ग्रेवी की थिकनेस भी काफ़ी अच्छी हो गई है। चेक करके देखते हैं, देखिए कितनी आसानी से टूट रहा है, परफेक्टली पका है हमारा मटन, ना कम ना ज़्यादा।
तो हमारा सुपर टेस्टी और डिलीशियस मटन मसाला एकदम रेडी है। गैस की फ्लेम बंद कर देंगे। आप इसे पराठे के साथ खा सकते हैं, राइस के साथ खा सकते हैं, नान रोटी के साथ भी खा सकते हैं। तो मटन मसाला की हमारी ये रेसिपी बनाने में बिल्कुल ही इजी और खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है दोस्तों, आप इसे ज़रूर ट्राई करें। और आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ रेसिपी को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।